नमस्कार सर, मैं किसान में आज की पाइप वीडियो में बताऊंगा कि एचडीपी पाइप लगाने के सबसे बड़े फायदे क्या हैं और पीवीसी पाइप हमें क्यों नहीं लगानी चाहिए और सबसे ज़्यादा एचडी पाइप यूज़ कहाँ होती है और क्यों होती है, क्या रीज़न है और क्या इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, एचडीपी पाइप पर सबसे ज़्यादा वाटर वर्क्स या फिर सरकारी काम के अंदर जहाँ पर पाइपलाइन अंडरग्राउंड करनी हो वहाँ पर एचडीपी पाइप ही यूज़ की जाती है। पहले फायदे की बात करें कि एचडी पाइप तक तो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है पीवीसी पाइप के बजाय। बात करते हैं मटेरियल की, मटेरियल ही इसका भी बेस्ट ही होता है, पीवीसी पाइप की तरह बेस्ट होता है। ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है पीवीसी पाइप के बजाय। जैसे कि अगर कहीं पर पाइप जैसे कि दाब आ जाए ऊपर से, जैसे अंडरग्राउंड की वहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा जैसे साधन निकल गया या फिर कोई चीज़ निकल गई, तो क्या थोड़ी सी पाइप से दाब आ गई तो पीवीसी पाइप टूट सकती है दाब के कारण, पर एचडी पाइप ही फ्लेक्सिबल होकर साइड में फैल जाएगी पर टूटेगी नहीं। दूसरी बात, पीवीसी पाइप को लगाना थोड़ा आसान है बट एचडीपी पाइप को लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, बट इसके फायदे भी काफ़ी हैं। एचडी पाइप में क्या जॉइंट नहीं होता जैसे कि पीवीसी पाइप में होता है, खांचा बना होता है जिसके अंदर सीधा डल जाता है गोंद नाक का, बट एचडी पाइप में वो खांचा नहीं होता। आपको उसको हीट करके, जैसे इसके लिए एक तो स्पेशल मिस्त्री चाहिए, दूसरे हीट करने के लिए इसके उसी मिस्त्री के पास संद होते हैं, जैसे कनेक्शन एचडीपी पाइप कनेक्शन मशीन आती है, उस मशीन का एक छोटी सी मशीन होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मशीन है, उसको बस गर्म करके पाइप को एक दूसरे को चढ़ा भी सकते हैं, दूसरा उसका जॉइंट या मतलब बिना जॉइंट के भी कर सकते हैं, दोनों को एक तरह मिक्स भी कर सकते हैं। कई तरह के हैं, दो मोस्टली तरीके हैं। पहला है कि हीट करके एक दूसरे को ऊपर चढ़ा देते हैं, दूसरा है उसको एक साथ जोड़ देते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एचडी पाइप पीवीसी पाइप के बजाय थोड़ी महंगी जरूर आती है, पर इसका फायदा क्या क्या, अगर एक बार अंडरग्राउंड कर दी तो आपके जोड़ खुलने का ना के बराबर खतरा है, कभी नहीं खुलेगा। रीज़न क्या है कि एचडी पाइप फ्लेक्सिबल होती थोड़ी सी, सबसे बड़ा कारण ये होता है, बट पीवीसी पाइप फ्लेक्सिबल होती है। इसकी पीवीसी पाइप बहुत ही पतली होती है, जरूर 2.5 kg, 8 kg भी, 6 kg, 8 kg के अंदर आती है, 16 kg तक भी आती है, पर जो 16 kg तक अगर आप जाते हैं पीवीसी पाइप लेने तो उसके बजाय अगर एचडीपी पाइप ले लें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। एचडीपी पाइप के लगाने का फ़ायदा भी ये होता है कि एक तो ये क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मेन सबसे बड़ा फायदा ये है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कहीं पर जोड़ खुलने का ज़्यादातर यही मेन रीज़न होता है कि मिट्टी धस जाती है, धसने की वजह पैंप टूट जाती है, तो वो दिक्कत एचडी पाइप में नहीं आती। इसके अलावा अगर आप कोई भी कमेंट करना, और एक बात और कि सरकारी काम में ज़्यादातर यूज एचडीपी पाइप ही होती है, पीवीसी पाइप बहुत ही कम यूज होती है। इसके अलावा अगर कोई कमेंट सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।